सब्सक्राइब कीजिए ई हिंदी उर्दू चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को हमारे टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, ई हिंदी उर्दू चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि विंडोज़ 11 में जो है ड्राइवर्स को कैसे अपडेट करते हैं, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए दो या तीन मेथड्स मैं आपको बताऊँगा। जो फर्स्ट मेथड है दोस्तों, आप अपनी विंडोज़ सेटिंग्स को ओपन कीजिए। लेफ्ट पैनल से आपको ऑप्शन मिलेगा विंडोज़ अपडेट का, लास्ट में उस पर क्लिक कीजिए और उसको ओपन कीजिए, ठीक है। राइट पैनल में यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवांस ऑप्शन, जस्ट उस पर जो है आपको ओपन करना है इस तरीके से। एडवांस ऑप्शन में जो है दोस्तों, यहाँ पर आपको जो है एडिशनल ऑप्शन में ऑप्शनल अपडेट्स का जो है और एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसको जो है यहाँ से ओपन कीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्राइवर अपडेट का जो है यहाँ पे और एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए और जो जो भी ड्राइवर के जो अपडेट रिक्वायर्ड है वो सारे ड्राइवर्स यहाँ पे आपको शो करेंगे। जो भी आपको डाउनलोड इंस्टॉल करना है चेक कीजिए और राइट पैनल से डाउनलोड और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए, आपके जो ड्राइवर्स हैं दोस्तों वो डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट मेथड, आप अपने विंडोज सेटिंग्स में से ड्राइवर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो मेथड है दोस्तों, आप मैन्युअली जो है इसको कर सकते हैं अपडेट। तो विंडोज़ की होल्ड कीजिए और एक्स प्रेस कीजिए इस तरीके से, और यहाँ से जो है आपको डिवाइस मैनेजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। तो डिवाइस मैनेजर में जो है दोस्तों, जो जो भी ड्राइवर्स को आपको अपडेट करना है, कीबोर्ड के, माउस के, जो भी ड्राइवर को आपको अपडेट करना है, यहाँ से भी आप उसको जो है इजीली कर सकते हैं। तो जैसे कि कीबोर्ड के अगर आपको ड्राइवर्स को अपडेट करना है, इसको एक्सटेंड कीजिए, ड्राइवर्स पे राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर्स पे जो है क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, आप ऑटोमेटिकली जो है ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप जो है मैन्युअली आप अपने पीसी में जो भी ड्राइवर आपके पास सेव है यहाँ से आप उसको जो है डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। दोनों जो ऑप्शन है आप यहां से भी जो है अपने ड्राइवर्स को जो है अपडेट कर सकते हैं। आप सेकेंड ऑप्शन से भी यहां से आप इजीली जो है उसको अपडेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको जो है उसको अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो ये तो है दोस्तों दूसरा मेथड। तीसरा जो मेथड है, आपको जो भी ड्राइवर्स को अपडेट करना है, जैसे कि एनवीडिया के है और भी कुछ ड्राइवर्स हैं, तो आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके जो भी लेटेस्ट ड्राइवर्स रहते हैं आप जो है उसको डाउनलोड और इंस्टॉल आप अपने पीसी में कर सकते हैं। ये तीन मेथड से आप इजीली आपके विंडोज़ 11 में जो है ड्राइवर्स को जो है अपडेट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, ज़्यादा कुछ है नहीं इस वीडियो में बताने के लिए, इजी सा शॉर्ट सा सिंपल सा वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब की भी ना मत जाइए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो बिल्कुल आप अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।